अगर दोस्तों आपने आज का ये होम रेमेडी ट्राई किया तो आपके बाल भी बिल्कुल इसी तरीके से चमकेंगे। आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा इतना ये मैजिकल ट्रीटमेंट है। और आपको क्या लगता है कि ये केराटिन ट्रीटमेंट है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरा एक फेवरेट बहुत ही अच्छा ये आज का ये होम रेमेडी है जो कि मेरे बालों पे इतना अच्छा असर करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है एलोवेरा जेल, फ्रेश एलोवेरा की जो टहनियाँ होती है ना उसको आपको काट लेना है। काट करके उसके कांटों को हटा देना है दोस्तों। और उसके बाद ऊपर का जो कि हमारा स्किन होता है उसको भी आप काट सकते हैं, नहीं तो बिना कटे हुए इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर दे दोस्तों। एलोवेरा हमारे बालों को नेचुरली नरिश करता है, नेचुरल हेयर कंडीशनर वाला काम करता है, बालों को स्मूदिंग देता है, ड्राइनेस ख़त्म करता है और आपके बालों की जो डलनेस की समस्या है ना उसको ये ख़त्म करता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों की लंबाई भी बेहद बढ़ाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको एलोवेरा जेल को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेने हैं। उसके बाद इन सभी चीज़ों को, इन कटे हुए पीसेस को डाल देना है आपको ग्राइंडिंग जार में। और ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको जो ऐड करना है ये है हमारा नेचुरल हेयर कंडीशनर। और ये तो दोस्तों ये है हमारा मैजिकल दही जो कि नेचुरल हेयर कंडीशनर का काम करता है और बालों की समस्या जैसे इचिंग की समस्या ख़त्म करता है और जो डैंड्रफ वगैरह की समस्या है ना उसको भी ये ख़त्म करता है। दही से हमारे बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बालों की ड्राइनेस ख़त्म करता है। तो इस तरीके से आपको जो है 3 से 4 चम्मच दही इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद इसमें आपको डाल सकते हैं ऑलिव ऑयल। जो ऑलिव ऑयल होता है हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। बालों की जो ड्राइनेस की समस्या है उसको ख़त्म करता है, बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बालों में एक अलग सी शाइन लेके आता है। तो 1 चम्मच यहाँ पे मैं ये डाल दूँगी ऑलिव ऑयल। और इन सभी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ग्राइंड कर लेना है और बहुत ही बढ़िया एक जो है पेस्ट नुमा बना करके रेडी कर लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया सब बन करके रेडी हो चुका है ना, बहुत ही ज़बरदस्त और मैजिकल आज का ये फॉर्मूला है। इसको आप अपने बालों पे ट्राई कीजिए ज़रूर दोस्तों, बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। बालों की खोई हुई चमक जो है वो आपको वापस मिलेगी और बालों में जो शाइन एक आता है ना ग्लास शाइन वो आ जाता है दोस्तों। और आपके बालों की जो समस्या जैसे कि हेयर फॉल्स की समस्या है वो ख़त्म होगा, जड़ों को जो है मजबूत करेगा और उसके साथ साथ ही आपके बालों की लंबाई भी बेहद बढ़ेगी। तो बहुत ही ईजी और सिंपल है, इसको आराम से अपने घर पर बनाइए और उसके बाद अपने बालों पर लगाइए। नहाने के पहले आपको आधा एक घंटा पहले पूरे बालों पे अच्छे से अप्लाई करना है, जड़ों से लेकर के सिरों तक आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अप्लाई करना है। और जब अप्लाई कीजिएगा तो उस टाइम पे दोस्तों आपको इसको अपने बालों पे लगा रहने दे, इस तरीके से जड़ों से सिरों में काफ़ी बढ़िया तरीके से लगा लेना है। तो दोस्तों बहुत ही ईजी फार्मूला है, इसको आप आराम से लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल का तो पता है, एलोवेरा जेल काफ़ी अच्छा होता है और इसका रेमेडी जो भी आप बनाते हैं चाहे बालों के लिए हो चाहे स्किन के लिए हो सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। एलोवेरा ठंडा होता है तो हमारे बालों में एक अलग सी ठंडक भी लेके आता है। अगर जड़ों में खुश्की है, बहुत ही ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम है और बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या है, इन सभी चीज़ों को भी दूर करता है। और ड्राइनेस जैसे 2 महीने बाल हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ़ फ्रिजी जैसे बाल दिखते हैं, तो ये सभी समस्या भी ख़त्म होती है हमारा ये लगाने से, ख़ास तौर पे एलोवेरा जेल लगाने से। और इसमें आपने जो दही मैजिकल दही मिक्स किया है उसके क्या कहने, उसके तो और भी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। 2 महीने रफ बाल ये सभी समस्या को ख़त्म करता है। तो इस तरीके से पूरे बालों पे लगा लेना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक मसाज दे, मसाज देने से इसके फ़ायदे पहुँचेंगे आपके बालों को। और फिर नॉर्मली आप जो शैम्पू करते हैं, जो भी शैम्पू करते हैं उस तरीके से आपको उसको हटा लेना है। शैम्पू आप अच्छे वाले शैम्पू कोशिश करें, बहुत सारे शैम्पू मार्केट में मिलते हैं जैसे कि हेयर फॉल जिससे बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उस तरीके का शैम्पू आपको यूज़ करना है जो थोड़े कम केमिकल वाले हो जिससे ज़्यादा हेयर डैमेज ना हो।
और उसी तरीके शैम्पू करना चाहिए जिससे आपके बालों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। बहुत सारे शैम्पूज मैं बताती भी हूँ आपको वीडियोज़ में और लिंक भी डालती हूँ, वीडियो आप देखिएगा, व्यू प्रोडक्ट करके आपको दिखेंगे, वो भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और बहुत सारे ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो कम केमिकल वाले शैम्पू यूज़ करें दोस्तों, उसके बाद आपको नॉर्मली अच्छे से जो भी शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लीजिए। बालों की लंबाई और बालों की जो शाइन है वो आपको अपने आप समझ में आएगा, बिल्कुल एक से दो बार लगा के देखिए, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। होप आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे और लगे कि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल है, आपके बालों पे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क दिख रहा है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं दोस्तों तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाल देखिए कितने ज़्यादा चमकदार और शाइनी है ना, बिल्कुल मेरे अपने बाल हैं और बहुत ही सुंदर है दोस्तों। तो आप भी ट्राई कीजिए और हमें अपने अनुभव ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। तो और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।